वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम, कि कॉन्टिन्यूस बीम कैसे डिजाइन होता है। तो उससे पहले हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस बीम डिफाइन कैसे होता है, कि हम नॉर्मल बीम को हम कैसे कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है या फिर नॉर्मल एक बीम है। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, कॉन्टिन्यूस बीम का मतलब होता है कि एक कॉन्टिन्यूस बीम ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। उसमें देखो, इसमें दो चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या चीजें पता होनी चाहिए? देखो, एक कॉन्टिन्यूस बीम ऐसे है, देखो स्पोर्ट्स लगी हुई है ये, ठीक है। स्पोर्ट्स लगे हुए, तो देखो आप, मैंने ना यहाँ पे ऐसे ऐसे करा हुआ है, ये जिगजैग से बनाया ना, इसका मतलब कि यहाँ पे और भी आगे एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ये तो एंड स्पोर्ट होगी, ठीक है, ये इनकी इंटीरियर स्पोर्ट्स होगी, ठीक है, ये आप इनकी इंटीरियर स्पोर्ट्स होगी एक कंटिन्यूस बीम की। और आगे और भी कितने भी हो सकते हैं जहां तक एंड नहीं होता। अगर एंड होता तो मैं ऐसे ऐसे मार्क कर देता, ठीक है, जैसे यहाँ पे करे और यहाँ पे स्पोर्ट लगाया था, वो हमारी एंड स्पोर्ट हो जाती। लेकिन ये आगे कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। तो कॉन्टिन्यूस बीम का बस यही है कि उसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स होती है। देखो, अब इसमें दो चीजें पढ़ने वाली होती है। देखो, कॉन्टिन्यूस बीम हम तभी कह सकते हैं जब उसमें मोर देन या फिर थ्री स्पैन्स होती है। मोर देन और थ्री स्पैन्स, यहाँ पे और भी आना था, मोर देन या फिर और थ्री स्पैन। तो मतलब ये होता है कि या तो उसमें तीन स्पैन्स हो, देखो एक दो तीन, ठीक है, आप देख सकते हो ये एक स्पैन है, ये दो स्पैन, ये तीन, ये तीन आपको पता नहीं कितने हो सकते। तो हमने एक वैसे ले लिया रफ आइडिया, ठीक है। तो तीन स्पैन आपके ऐसे हो सकते हैं। देखो, तीन होनी चाहिए तभी आप कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो, नहीं तो वो कॉन्टिन्यूस बीम नहीं कहलाता। तो तीन चार पांच छह जितनी भी आपकी हो सकती है तो तभी वो कॉन्टिन्यूस बीम कहलाता है। और दूसरी चीज आपको देखो क्या पता होनी चाहिए, जो हमारी डिफेक्टिव निकलती है ना, जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है कॉन्टिन्यूस बीम की, इसका एक थम रूल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी सबसे अलग होता है। देखो, बाकियों में हम क्या करते हैं, बीम वगैरह में हम थम रूल ले लेते हैं, कॉलम में लेते हैं डी बाई 25 इक्वल टू एल, ऐसा हम एक थम रूल ले लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या थम रूल होता है, देखो 1/15 to 1/20 ऑफ स्पैन, ऑफ इंटायर स्पैन जो हमारी एल निकलती है, जो हमें गिवन होती है, तो उसका डी इफेक्टिव लेना होता है। मतलब कि 1/15 टर्म से लेके 1/20 में जो हमारा आता है ना वैल्यू, उसके बीच बीच वाली वैल्यू लेनी होती है डी इफेक्टिव की। बस इसमें दो ही चीजें देखने वाली होती है कि डिजाइन ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम क्या होता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि ये कैसे एक हम क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं हम कैसे एक डिजाइन होता है कॉन्टिन्यूस बीम। तो देखो, ये आ गया हमारा एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके पास ना, याद रखो आपके पास IS 456-2000 कोड आपके पास अभी होना चाहिए, आपको तभी अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप कोड अभी आप ले आओ वीडियो को पॉज करके। तो देखो अब क्या होता है, देखो डिजाइन है कॉन्टिन्यूस रेक्टेंगुलर बीम, देखो कॉन्टिन्यूस रेक्टेंगुलर बीम और स्पैन 7 मीटर। 7 मीटर इन्होंने कह दिया कि 7 मीटर तक आप स्पैन को डिजाइन कर दो, ठीक है। 7 मीटर का आपका स्पैन है। टू कैरी अ डेड लोड ऑफ 12 kN/m एंड ए लाइव लोड ऑफ 16 kN/m। तो इन्होंने डेड लोड 12 दे दिया और लाइव लोड 16 दे दिया। द बीम इज कॉन्टिन्यूस ओवर मोर देन थ्री स्पैन, देखो मोर देन थ्री स्पैन बोला। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि कितने हैं, चार पांच छह, तो मोर देन थ्री स्पैन हमारे लिए इनफ है नॉलेज। अगर अब यहाँ पे हम ये ना भी लिखते ना क्वेश्चन में कि मोर देन थ्री स्पैन है, तो हमें फिर भी पता होता है कि कॉन्टिन्यूस बीम है, तो इसका मतलब कि मोर देन थ्री स्पैन होंगे। तो मैंने आपको पहले समझा दिया। एंड सपोर्टेड बाय कॉलम्स, यूज M20 Fe 415। तो देखो, सबसे पहले हम आपको पता है क्या लिखते होते हैं, गिवन। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में देखो सबसे पहले आपका क्या आएगा, देखो सबसे पहले आपका आएगा एल, जो आपकी स्पैन लेंथ है वो है 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो आपका डेड लोड, देखो डेड लोड हम यहाँ पे क्या पता है कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे डब्ल्यू डी। देखो डेड लोड आपका, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 kN/m, ठीक है। लाइव लोड आपका देखो क्या दिया हुआ, डब्ल्यू बड़ा एल देंगे यहाँ पे, ठीक है। बड़ा एल क्यों लूंगा, क्योंकि आपको आगे समझ आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है थोड़ी कैलकुलेशन, इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा एल ले लिया, ठीक है। कैपिटल एल ले लिया, डब्ल्यू कैपिटल एल ले लेना कोड वगैरह में, या फिर आपको कोई और समझाएगा तो स्मॉल एल लेता तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो डब्ल्यू एल ले लेना इक्वल टू 16 kN/m, ठीक है। ये आपको गिवन है, और बाकी ये तो आपको पता ही है। देखो एफ सी की आपका 20 हो जाएगा और आपका Fe 415 हो जाएगा, ठीक है। Fe 415 आपका हो जाता है, तो आपको पता ही है। अब देखो, अब इसको शुरू करने, देखो शुरू करने से पहले आपको पता होना स्टेप वन, आपको देखो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन होती है, मतलब ये आपके इफेक्टिव डेप्थ वगैरह आपको निकालना आना होता है। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं स्टेप वन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या हमारी इफेक्टिव डेप्थ निकलती है, ओवरऑल डेप्थ निकलती है, ब्रेथ निकलती है, बी निकलता है, तो हम वो सारी चीज इसमें देखेंगे। तो वैसे अगर मैं आपको देखो एक कॉन्टिन्यूस बीम ऐसे बना दूं, तो मैं तो यहाँ पे देखो ऐसे बना दूंगा, जैसे हमने पहले अभी देखा था इंट्रोडक्शन में, तो मैंने तो एक ऐसे कॉन्टिन्यूस बीम बना दिया। तो अभी हम इसकी इफेक्टिव डेप्थ वगैरह सब देखेंगे। तो देखो क्रॉस सेक्शन, मैंने आपको कहा था
जो हमारा डी इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, देखो 1/15 to 1/20 ऑफ स्पैन, ऑफ स्पैन हमारी यहाँ पे क्या है, देखो 7 मीटर, तो 7 मीटर को हम एमएम में ले लेंगे तो 7000 mm में, ठीक है। तो ये आपको ऐसे हो गया। अब देखो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ इसमें कैसे आएगी। देखो अब मैं अगर आप कैलकुलेटर पे देखो तो 1/15 है, तो देखो 7000 यहाँ पे हम ऑन करते, देखो 7000 / 15, ठीक है। देखो इसकी क्या है 466.67, ठीक है। हम ऐसे लिख लेते हैं, एक बार हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी आती है देखो 1/15 की आपकी क्या आती है 466.67 आती है, ठीक है, ये mm, ठीक है, ये आपके ऐसे हो गया। अब 1/20 पे देखते हैं, ठीक है, तो 7000 / 20, तो देखो 350 आती है यहाँ पे, पूरा पूरा आपका डिवाइड होता है, तो देखो 350, तो 1/20 आपका क्या आता है 350 mm। अब देखो, अब आपको देखो 2 है और नहीं है, तो 2 का मतलब कि आपको इसके बीच में लाए करने वाला कोई भी वैल्यू लेनी है। देखो 466.67 आपका मैक्सिमम हो गया, 350 आपका मिनिमम होगा एक तरह का, तो आपको बीच वाली वैल्यू कोई भी आप ले सकते हो। देखो 450 ले सकते हो, 400 ले सकते हो, 375 ले सकते हो, तो वो आप पर है, ठीक है। 350 से कम नहीं जाना, 466 से ज्यादा नहीं जाना। तो देखो हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो हमारे देखो यहाँ पे डी इफेक्टिव देखो मैंने क्या ली है, कैलकुलेशन भी इजी रहते इससे, 450 mm, तो हमने क्या ले ली 450 mm हमने यहाँ पे डी इफेक्टिव ले ली। तो ऐसी हमारी ओवरऑल डेप्थ देखो मैंने 50 mm का हमने नॉमिनल कवर ले लिया, तो यहाँ पे अगर मैं लिखू देखो 500 mm हमारी ओवरऑल डेप्थ आ गई। कैसे, तो देखो आपको पता है ये हमारा ऐसे होता है, तो देखो जब हमारे ऐसे बार्स होते हैं तो यहाँ से तो यहाँ तक हमारी डिफेक्टिव होती है, ठीक है, हमारा डिफेक्टिव, लेकिन ओवरऑल डेप्थ तो पूरा होता है, तो हमने जो ये वाला नॉमिनल कवर है उसको हमने यहाँ पे 50 mm ले लिया, तो ऐसे हमारे ओवरऑल डेप्थ आ गई। अब देखो अब हमें ब्रेथ का नहीं पता, बी कैसे लेना है, तो देखो ये यहाँ पे ना आप एज्यूम कर सकते हो, आप देखो सारी डिजाइन का मेथड ये क्या होता है कि एज्यूम, अजम्पशन पर चलता है सब। तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एज्यूम बी हमारी क्या आ जाएगी, विड्थ तुम्हारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो 250 mm आप ले लो, लेट कर लो 250, देखो इसको देखते हो मैंने 250 लिया है, तो आप आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे 275 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा मत लेना और 250 से कम भी मत लेना। देखो 450 के यहाँ पे आप परफेक्ट है कि 250 हमने mm यहाँ पे ले ली। तो देखो अब ये हमारे क्रॉस सेक्शन डायमेंशन तो हो गए सारे, कि हमें डिफेक्टिव निकालनी थी, ओवरऑल डेप्थ निकालनी थी, हमारी निकल गई। तो देखो स्टेप टू करते हैं, डिजाइन मूवमेंट एंड डिजाइन शियर, ठीक है ना, कि हमने लोड वगैरह जो हमें है उससे हम बेंडिंग मूवमेंट वगैरह निकालते हैं ना, तो वो चीजें निकालेंगे अब। तो देखो स्टेप टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखो डिजाइन मूवमेंट मतलब जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट होता है ना, जो हम जिससे हम डिजाइन करते हैं, हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होती है, एंड डिजाइन शियर, तो शियर से आपको पता है कि आपकी शियर शेप्स वगैरह जो डलते हैं हमारे वो होते हैं यहाँ पे, तो डिजाइन शियर व्यू, ठीक है। अब देखो ये तो आपका ऐसे हो गया, तो अब आपको देखो क्या क्या गिवन था। देखो आपको पता है हमारा डेड लोड आपको देखो WD आपको कितना दिया होता है, यहाँ पे आपको WD दिया होता देखो 12 kN/m, है ना, आपको 12 kN/m दिया होता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो तो पहले हम डेड लोड की बात करते हैं, ठीक है, डेड लोड में सेल्फ वेट भी ऐड होता है, तो हम यहाँ पे सेल्फ वेट भी लिखेंगे। देखो सेल्फ वेट, तो हमने यहाँ पे सेल्फ वेट लिखा, देखो सेल्फ वेट आपको पता है देखो 0.25 देखो बी, ठीक है, इंटू 0.5 ओवरऑल डेप्थ होगी, देखो मीटर्स में कर रहा हूँ इसलिए, इंटू 25 ये होता है आपका, देखो RCC का आपका होता है सेल्फ यूनिट वेट होता है, ठीक है ना, आपका RCC का ये यूनिट वेट होता है। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो आपकी क्या वैल्यू आती है 3.125 kN/m, तो आपका सेल्फ वेट भी आ गया, डेड लोड भी आ गया। देखो इसमें एक नई चीज मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, फिनिशिंग लोड, ये आपकी मर्जी होती है, आपने लेना ले सकते हो, नहीं तो रहने भी दे सकते हो, कि फिनिशिंग लोड हम नहीं लेते। तो देखो मैंने किस लिए लिया, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। देखो 0.875 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये ओवरऑल पूरी एक थ्री डायमेंशन मुझे दे देगा। तो देखो फिनिशिंग लोड आपकी मर्जी होती है, फिनिशिंग लोड का क्या मतलब, जैसे टाइल वगैरह लगानी, ग्रेनाइट वगैरह लगाना कोई बीम पर, तो उसे हम फिनिशिंग लोड में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब आपका टोटल देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो टोटल डेड लोड देखो आपका क्या आ जाएगा, WD टोटल डेड लोड आपका देखो क्या आ जाएगा, आप सब कुछ ये प्लस करो ना, आपका 16 आ जाता है, 16 kN/m। अगर मैं इसको नहीं करता तो आपका 1.25 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करा 15.125 आया था, तो ये थोड़ा ऐसा ऐड कर दिया ताकि ये इक्वल सी वैल्यू बन जाए, मतलब कि 16 एक राउंड ऑफ फिगर बन गई। तो ये आपका डेड लोड था, और आपका जो लाइव लोड था वो आपको सीधा सीधा गिवन था, देखो WL, ठीक है, WL देखो मैंने कैपिटल एल लिया, अभी आपको कैपिटल एल ही लेना, तो WL इज इक्वल टू 16 kN/m, ठीक है, ये आपके दोनों 16 आ गई है, ये इत्तेफाक है, ये नहीं कि मैंने जानबूझ के लिए, तो 16 आ चुके हैं। देखो लाइव लोड यहाँ पे हमने 16 लिया था, क्वेश्चन में गिवन था।
देखो अब ये तो हो गया, अब आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ भी मल्टीप्लाई हम करते हैं ताकि हमारा डिजाइन लोड निकल जाए, ठीक है ना। डिजाइन लोड निकालने के लिए देखो अब आपको पता है तो डब्ल्यू यू डी का मतलब आपको ये होता है कि डिजाइन कर दिया हमने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी, तो 1.5 इंटू आपका देखो 16 आ जाएगा, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ पे भी आ जाएगा देखो डब्ल्यू यू एल, एल के लिए कौन सा हमारा लाइव लोड के लिए, तो वो भी हमारा सेम आ जाएगा 1.5 इंटू 16। देखो अगर आप इसकी पूरी वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या आते हैं यहाँ पे 24 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपका ये ऐसे हमारा लाइव लोड और डेड लोड, तो हमारा फैक्टर लोड वगैरह तो हमारे निकल गए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, ये आपको पता है कोड में गिवन है। देखो अब ये तो हो गया, अब देखो अब एक नई चीज आएगी यहाँ पे, देखो ये चीजें तो अब आपने निकाली ना, अब कॉन्टिन्यूस बीम की असली चीज समझ आएगी आपको क्या होता है। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको देखो IS कोड 456-2000 पर आपको पेज नंबर 36 ओपन करना पड़ेगा। पेज नंबर 36 ओपन करें, उसमें टेबल 12 और 13 देखो, देखो मैं भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखो ये आ गया हम पेज नंबर 36 पर, टेबल 12 और 13। तो देखो अब इसमें क्या चीज देख रही है, देखो बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट और शियर फोर्स कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो मतलब ये आपको यहाँ से हमारा बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकला है जिससे कि हम अपना डिजाइन करेंगे। तो देखो अगर आप बेंडिंग मोमेंट देखोगे, देखो वीडियो थोड़ी शायद लंबी बन सकती है, लेकिन ऐसे ही है कि देखो आप डिजाइन के जो भी आपको स्ट्रक्चर आएंगे ना, कॉन्टिन्यूस बीम आ गया या फिर फाउंडेशन वगैरह आ गई, वो ऐसी लंबी लंबी जाती है जो कि हमारी 1 आवर तक चली जाती है डिजाइन करने के लिए। तो देखो वीडियो पूरी एंड तक देखते रहना। तो देखो नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन, देखो अब इसमें हम यहाँ से हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। देखो टाइप ऑफ लोड आपको देखिए डेड लोड एंड इम्पोज लोड, इम्पोज लोड नॉट फिक्स, तो मतलब ये डेड लोड के लिए होता है, लाइव लोड के लिए, ठीक है, ऐसे है। तो देखो नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन, देखो स्पैन मूवमेंट सब ये दो फैक्टर में होता है, देखो स्पैन मूवमेंट्स और सपोर्ट मूवमेंट्स। ये तो स्पैन मूवमेंट्स क्या होती है, देखो अगर मैं आपको एक दोबारा बीम दिखाऊं अपना ये, तो स्पैन मूवमेंट्स तो देखो ये वाली होगी जो हमारी ये स्पैन इस पे ऐसे आता है इसके बीच वाला, लेकिन जो हमारी सपोर्ट मूवमेंट्स हो जाती है वो हमारी इस पे हो जाती है, ठीक है, मूवमेंट सपोर्ट्स पर हो जाते हैं। तो बस यही अलग चीज होती है। देखो तो अब देखो नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन, तो इसमें आप क्या लिखोगे, देखो नियर स्पैन मूवमेंट्स में आप लिखोगे नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन, देखो 1/12 इंटू में जो हमारा लोड है, देखो टोटल डिजाइन लोड एंड इफेक्टिव स्पैन शैल भी, देखो फॉर ऑब्टेनिंग द बेंडिंग मूवमेंट तो कोएफिशिएंट शैल भी मल्टीप्लाइड, आपको दिख रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल डिजाइन लोड एंड इफेक्टिव स्पैन। तो आपको ये बस यूनिट्स दे रखी है, प्लस 1/12 प्लस 1/10, इससे आपको डिजाइन लोड और इफेक्टिव स्पैन मल्टीप्लाई करना है जिससे ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट निकल आएगा। तो देखो उस पर भी ऐसी करना है मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन, देखो जो हमारा डिजाइन होता है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारी ये हमारी पहले वाला पेज पे मैंने आपको दिखाया था कि देखो जो हमारा डिजाइन होता है ना वो सारे कहीं होता है, देखो जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट जो डलती है ना वो कैसे डलती है इस पे, मतलब जहाँ पे हमारे कॉलम्स लगे हुए हैं स्पैन, जहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स है वहां पे अलग रिइंफोर्समेंट डलती है, ठीक है, जो हमारे स्पैन होते हैं वो अलग रिइंफोर्समेंट डलती है। वो तो चलो वीडियो का लास्ट पार्ट है, लेकिन शुरू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले हम यहाँ पे चीजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी अलग अलग डलती है। देखो नियर मिडल ऑफ एक स्पैन पे डलती है और एक इंटीरियर अलग से डलती है, ठीक है, स्पोर्ट मूवमेंट्स पे, तो उससे अवसर। तो देखो हम नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन पे होगा एट मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन। तो देखो नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन में देखो क्या होता है, जो हमारी एंड स्पैन होता है तो इसके नियर मिडल, ठीक है ना, नियर मिडल पे हम निकालेंगे, ठीक है, एंड स्पैन पे निकालेंगे एक तरह की, एंड स्पैन पर आपको क्या आती है आपकी मूवमेंट, ठीक है, और एक आपका नया आता है देखो क्या आता है एट मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन, तो इंटीरियर स्पैन पे भी हम निकालेंगे। तो ऐसे अलग अलग करके स्पोर्ट मूवमेंट्स भी निकालेंगे, जैसे शियर फोर्स भी निकालेंगे। देखो अभी थोड़ा सा टेबल आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखो इसमें एक चीज और मैं बताऊं ना, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है सिर्फ आपको बताया कि ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट शो करता है और जो हमारे स्पोर्ट मूवमेंट्स है वो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट शो करता है। तो उसके लिए आपको डिजाइन करना होता है, देखो पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए, लेकिन ये आपको साइन नहीं लेना कि आप नेगेटिव में वैल्यू लिख दो, नेगेटिव में वैल्यू नहीं लिखनी, आपको सिर्फ साइंस ही ये बताया कि नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है ये पॉजिटिव है। तो देखो अब शुरू करते हैं, देखो अब आपको पता चलेगा कि हमने कैसे करना है सारा कुछ, तभी आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो देखो स्टेप तो यही रहेगा, स्टेप यही रहेगा, हम आगे करते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो कैलकुलेशन ऑफ स्पैन मूवमेंट, तो सबसे पहले ऊपर मैं देखो क्या लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ स्पैन मूवमेंट्स, थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही है बस, आपको और कुछ नहीं है, कोड में देखना है यहाँ पे वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ स्पैन मूवमेंट, तो सबसे पहले देखो स्पैन मूवमेंट्स में आपका यहाँ पे क्या आता है, नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन, या फिर आप सिंपल लिख लो मूवमेंट एट एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना, मूवमेंट एट एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो देखो मूवमेंट एट एंड स्पोर्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, देखो मूवमेंट एट एंड स्पोर्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिखे मूवमेंट एट एंड स्पैन भी लिख सकते हो, ठीक है, मिड इंटीरियर स्पैन भी लिख सकते हो, एंड स्पैन भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स आते हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मूवमेंट एट एंड स्पैन लिख लेते हैं यहाँ पे हम। मूवमेंट एट एंड स्पैन पे देखो क्या आती है आपकी मूवमेंट, देखो डब्ल्यू डी, ठीक है ना, डब्ल्यू यू डी एल स्क्वायर, देखो ये एल स्क्वायर बाय
क्या आएगा यहाँ पे, आपको देखो डिजाइन लोड और इफेक्टिव स्पैन से आपने मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। डिजाइन लोड तो आपको देखो यूडीएल है तो एल स्क्वायर आएगा, यूडीएल ही होता है कॉन्टिनेंस बीम में, आपको कभी पॉइंट लोड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 1/12 आ गया, देखो 1/12 यहाँ पे 1/12 प्लस, ठीक है, जो हमारा 1/ क्या है यहाँ पे 1/10 है, नीचे को आना आपने साइड में देखना, तो नीचे को आएगा तो प्लस 1/10 है, तो देखो प्लस 1/10 है ना, 1/10। और क्या है आपका डिजाइन लोड सेम विद लाइव लोड है, इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड, तो अब आपका यहाँ पे डब्ल्यू यू एल एल स्क्वायर, देखो मैं तभी यहाँ पे आपको कैपिटल एल लिखवाया था ताकि आपको पता चले कि ये एल अलग है, ये पूरा एक अलग चीज है और ये आपकी अलग चीज है, तो बस इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल एल लिखवाया था, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना, अब आपको सिंपल कैलकुलेशन है, बस ऐसे ऐसे आपको नीचे को आना है, ठीक है, नीचे को आपको ऐड करती जानी है आइटम्स इसमें से। तो देखो अब आपके ऐसे हो गए, तो अब आपने निकाली थी, देखो इसमें वैल्यूज क्या निकाली थी, देखो तो आपने निकाली थी डब्ल्यू यू डी, देखो डब्ल्यू यू डी की आपने 24, देखो आपको पता 24 इंटू आपको स्पैन आपको दी हुई थी, आपको स्पैन कितनी दी हुई थी 7 मीटर दी हुई थी ना, आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, देखो 7 मीटर की आपकी स्पैन है, तो आप यहाँ पे 7 मीटर डाल दोगे सिंपली, देखो 7 का स्क्वायर/12 प्लस डब्ल्यू यू एल, देखो डब्ल्यू यू एल हमारा कितना था 24 ही था, ये भी 24, तो मतलब ये यहाँ पे 24 इंटू 7 का स्क्वायर/10, ठीक है। तो अगर आप मोमेंट एंड एंड स्पैन को अगर आप ऐड करते हो, देखो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा 215.6 किलो न्यूटन पर मीटर। देखो आपको अच्छे समझ आ गया ना कैसे निकाला मोमेंट एंड एंड स्पैन, में दोबारा बताता हूँ, देखो एक चीज आपको समझ आ गई तो बाकी सारी चीज आपको समझ आ जाएंगी। तो देखो मोमेंट एंड एंड स्पैन कैसे, यहाँ पे इन्होंने कहा कि नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन या फिर एंड स्पैन लिख लो आप, नियर मिडल का वही मतलब होता है कि एंड स्पैन के पास में, ठीक है। तो अब एंड स्पैन पे आपको निकालना था, देखो अब एंड स्पैन पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना था, मोमेंट एट एंड स्पैन आपको यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये वाला 1/12 ऑफ डिजाइन लोड, देखो मल्टीप्लाइड बाय द टोटल डिजाइन लोड एंड इफेक्टिव स्पैन, तो यहाँ पे देखो इट बाय 1/12 तो हो गया और यहाँ पे 1/10 हो गया, तो आपका ऐसे यहाँ पे लाइव लोड, ये हमारा डेड लोड हो जाता है, ये पोज लोड हो जाता है, तो ऐसे आपके सॉल्व कर लेगा। देखो ये बहुत ईजी था, देखो अब देखो आगे करते हैं, अब देखो मूवमेंट एट एंड स्पैन तो हो गया, ठीक है, हमारा नेक्स्ट उसमें क्या दिया होता है कोड में, मूवमेंट एट, देखो उसमें दिया था मूवमेंट एट मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन, मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन, तो देखो उसमें क्या दिया हुआ था, देखो कोड में अगर आप दोबारा से कोड खोलोगे तो कोड आपके पास होना चाहिए, तो 1/16 प्लस 1/12 है, ठीक है ना, 1/16 और 1/12 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो डब्ल्यू यू डी एल स्क्वायर, तो 1/16 था तो 16 प्लस डब्ल्यू यू एल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे 12 था, ठीक है, 16 और 12 था, तो ऐसे आपको करना है, तो आप सिंपल वैल्यू सेम फिर से भर देने, देखो तो 24 इंटू 7 का स्क्वायर/16 प्लस 24 इंटू 7 का स्क्वायर/12, ठीक है, 16 है ये 12 है, फिर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो आपकी वैल्यू क्या आती है, देखो 171.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देखो इसमें ना ये वैल्यूज आपको अलग अलग तो निकालनी है, लेकिन बाद में मैक्सिमम लेते हैं, कैसे लेते हैं वो आगे अभी आपको पता चलेगा। तो आपको ये तो हो गया, ठीक है, ये दो चीजें तो आपकी निकल गई, मतलब स्पैन मूवमेंट्स में तो आपको ये ऐसे निकल गया, ठीक है, आपका स्पैन मूवमेंट्स में निकल गया ये। तो अब आपको आना देखो स्पोर्ट्स मूवमेंट है, स्पोर्ट नेक्स्ट टू द एंड स्पोर्ट एट अदर इंटीरियर स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स जो अदर इंटीरियर स्पोर्ट्स मैंने आपको समझा दी, तो अलग अलग आती है मोर देन 3 स्पैन में, ये तो जो भी आती है, और स्पोर्ट नेक्स्ट टू द एंड स्पोर्ट पे जो हमारी होती है, ठीक है ना। देखो तो अब देखते हैं, देखो मूवमेंट्स एट, देखो कैलकुलेशन ऑफ स्पैन मूवमेंट्स तो होगी, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट मूवमेंट्स, स्पैन तो होगी, अब हम स्पोर्ट्स मूवमेंट निकालेंगे कि स्पोर्ट्स पे हमारी क्या क्या मूवमेंट्स हमारी लगती है। तो कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट मूवमेंट, तो देखो सबसे पहले हमारा आते हैं, देखो ये मैं पहले बता दूं नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, सिर्फ साइन का फर्क इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव कैसा है, बस आपको साइन नहीं लेना, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका आता है मूवमेंट एट, तो मूवमेंट एट स्पोर्ट नेक्स्ट टू एंड स्पोर्ट, तो देखो मूवमेंट एट स्पोर्ट नेक्स्ट टू एंड स्पोर्ट आपका देखो क्या आता है, देखो अब आप दोबारा कोड पे देखोगे, देखो आता है 1/-1/10 का मतलब अब तो पता चल गया ना आपको नेगेटिव है, तो हम 1- तो लेंगे, तो 1/10 ऑफ मल्टीप्लाई बाय डिजाइन लोड एंड इफेक्टिव स्पैन इनटू 1/9, ठीक है। तो वैसे ही 1/10 और 1/9, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा इंटीरियर स्पोर्ट पे 1/12 प्लस 1/9, तो देखो अगर आप इसको करोगे तो कैसे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो डब्ल्यू यू डी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 10 आ जाता है, एक 10 था और अलग था आपका जो लाइव लोड पे था, इम्पोज लोड पे आपका था वो एल स्क्वायर बाय 9 था, तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो सिंपल वैल्यूज ही है, 24 इंटू 7 का स्क्वायर
बाई 10 प्लस 24 इंटू 7 का स्क्वायर बाई 9। देखो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या आता है, देखो 248.2 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपका आता है नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, लेकिन साइन आपका पॉजिटिव लेगा, तो ऐसे आपका हो गया। तो अब इन्होंने कहा था नेक्स्ट था आपका देखो मूवमेंट, तो मूवमेंट एट अदर इंटीरियर स्पोर्ट्स, तो बाकी जो भी उसमें इंटीरियर स्पोर्ट्स आती है तो उस पर भी तो हमें मूवमेंट पता होनी चाहिए, तो क्या लेनी है, तो मूवमेंट एट अदर इंटीरियर स्पोर्ट्स। तो देखो इसका क्या था, देखो 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 9 था इसका, तो वही ले लेंगे। तो देखो 1 बाय 12, तो देखो डब्ल्यू यू डी एल स्क्वायर बाय 1 बाय 12 प्लस डब्ल्यू यू एल एल स्क्वायर बाय आपका क्या था यहाँ पे 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे 24 इंटू 7 का स्क्वायर बाय क्या आएगा यहाँ पे 12 प्लस 24 इंटू 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो यहाँ पे पूरा क्या आता है 228.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देखो अब ये चीजें तो आ गई, देखो अब आपको देखो यहाँ पे क्या लिखना है, टेबल बना के, टेबल नहीं मतलब छोटा सा, तो यहाँ पे आपको दो चीज लिखनी है, देखो मैक्सिमम, तो देखो मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट, देखो मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट हमारी क्या आई और मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट कौन सी आई हमारी, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट आपकी यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव कौन सी है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वाला देखो आपका ये था मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो इसमें देखो सबसे मैक्सिमम कौन सी है 215.6, देखो हम यहाँ पे लिख देंगे 215.6 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर था, सॉरी किलो न्यूटन मीटर था, पर नहीं था ये, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर था। और आपका जो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट था वो तो अभी हमने यहाँ पे निकाला, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा 248.2, देखो 248.2 किलो न्यूटन मीटर, तो देखो आपका ये निकल गया। तो इसको देख के हम अपना रिइंफोर्समेंट करेंगे, लेकिन है ना इसको करके तो हम रिइंफोर्समेंट करेंगे, लेकिन आपको देखो शियर फोर्स भी तो निकालना है। हमने स्टेप में अपने क्या लिखा था, आपने देखो हमने स्टेप में लिखा था डिजाइन मूवमेंट एंड डिजाइन शियर, तो देखो शियर फोर्स अब हम इसमें निकालते हैं। देखो अब शियर फोर्स निकालने के लिए आपको देखो क्या आएगा, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, देखो स्टेप टू ही चल रहा है ये, बस उसमें ही हम निकाल रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस बीम में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है देखो, पर ये आप तो आपको करना पड़ेगा, देखो ये आपको एग्जाम में भी आएगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए इसके बारे। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, तो देखो आप दोबारा से कोड पर अगर आप आओगे तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, देखो कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, देखो शियर फोर्स कोएफिशिएंट, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है एट एंड स्पोर्ट्स, देखो अब इसमें तीन तरह से निकलेंगे, ठीक है, एट एंड स्पोर्ट, एट स्पोर्ट नेक्स्ट टू द एंड स्पोर्ट, एट ऑल अदर इंटीरियर स्पोर्ट, देखो एक तो जो एंड स्पोर्ट होती है और जो एंड स्पोर्ट के साइड वाली होती है उस पर निकलेगी, और हमारी बाकी जो इंटीरियर स्पोर्ट्स होती है देखो उसमें हमने ये सारी तीन चीजों में निकलेगी, ठीक है। तो डेड लोड वही ऐसे ऐसे आपको ऐड करना, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, तो आपको सिंपली ये सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो सबसे पहले था हमारा एट एंड स्पोर्ट, देखो सबसे पहले आपका था एट एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स में देखो अभी आपको लिखना है कि 0.4 इंटू में आपका देखिए टोटल डिजाइन लोड प्लस 0.45 इंटू में टोटल डिजाइन लोड, कैसे लिखना अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो अगर आप एंड फोर, देखो 0.4 डब्ल्यू यू डी एक एल आएगा यहाँ पे, अब एल स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है शियर फोर्स है तो सिंपल एल आता है, मूवमेंट में आपका एल स्क्वायर रहता है, जब भी हम यूडीएल में सीजी लेते हैं आपको पता है ना एल बाय टू होता है वो ऐसे ही, तो वहां से अपना एल स्क्वायर आता है। तो देखो प्लस तो 0.45, देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 0.4 और 0.45 से, लेकिन आपको लिखना है 0.45 ही, आपको भी 0.4 मत लिख देना, देखो डब्ल्यू यू एल और एल, ठीक है, ये हमारा यू डब्ल्यू यू एल एल, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में एल जो कि हमारा यहाँ पे स्पैन के लिए। देखो अब सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0.4 यहाँ पे 24 था हमारा, ठीक है ना, डेड लोड हमारा इंटू में 7 हमारा स्पैन प्लस 0.45 यहाँ पे लाइव लोड आपका 24 ही था इंटू में 7 आपकी स्पैन। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दें एंड स्पोर्ट्स पे आपकी क्या आ गई 142.8 किलो न्यूटन, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स तो देखो अब आपकी आ गई, ठीक है, अब एंड स्पोर्ट्स आ गई। अब इन्होंने कहा था एंड स्पोर्ट्स नेक्स्ट टू एंड स्पोर्ट, तो एंड स्पोर्ट के जो साइड में होती है अब आपके वो वाली लेनी है इनमें। देखो इसमें एक नई चीज क्या आती है, देखो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं एक बार, देखो एड स्पोर्ट, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाएगी, प्लीज देखते रहने, बहुत इंपॉर्टेंट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो सारा इजी है जो आप करते आ रहे हो नॉर्मल बीम्स वगैरह बनाने में। एड स्पोर्ट नेक्स्ट टू, तो नेक्स्ट टू एंड स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स हमारे एंड स्पोर्ट्स के पास लगी हुई है
तो अब उनपे हमने देखना है, ठीक है। अब उनपे आपको देखो कैसे देखना है, अब बताता हूँ। देखो अब इसमें आपकी एक नई चीज आएगी। देखो देखो एंड्स पोर्टल जब आपको देखोगे ना, अब जब इन्होंने कहा आउटर साइड और इनर साइड, ठीक है। जब आप आउटर साइड दोगे, देखो एंड्स पोर्टल देखो दोनों तरफ से होगी, ठीक है। दोनों तरफ से आपका हाफ हाफ लेना है, आपको एवरेज लेना है, ठीक है ना। तो हाफ देखो एक इस साइड पे होगी, देखो एक इस साइड पे होगी, है ना। जैसे अब मैं आपको बताऊं, देखो इसमें मैंने एंड स्पॉट्स यहाँ पे, अब कोई भी हो सकते हैं। लेट आप देखो यहाँ पे एक एंड स्पॉट आपकी ऐसे लगी हुई है, देखो इसका भी एंड स्पॉट की साइड वाला और इसका भी। तो अब आप इसको प्लस करोगे तो इसका हाफ ले लेना, ठीक है। एवरेज लेना है इसका, ये नहीं कि आप इसको भी प्लस कर दो इसको भी प्लस कर दो, नहीं भाई इसका एवरेज लेना, डिवाइड बाय टू जरूर करना। देखो इसका भी एवरेज करना है आउटर साइड का और इनर साइड का भी। देखो अब दोनों साइड का आपको करना है, आउटर साइड और इनर साइड, तो दोनों का आपको एवरेज लेके चलना है। कैसे, अभी मैं आपको देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ सारा, फिर आपको शायद अच्छे समझ आ जाए। देखो ये तो आपको पता है 0.6 0.6 ये सेम है, इनर साइड पे आपको 0.55 और 0.6। देखो अगर आप इसको लिखते हो, देखो कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। देखो हाफ एवरेज के लिए हाफ 0.6 WUDL, ठीक है, WDL प्लस, ठीक है, ये आपका ऐसे तो 0.6 ही था, वो दोनों था 0.6 WUL L, ये आपका ऐसे हो गया, ये हाफ आपका इनर साइड हो गया, सॉरी आउटर साइड, ये आपका आउटर साइड हो गया। अब प्लस में आपको क्या आना चाहिए था, इनर साइड आना चाहिए था। तो प्लस हाफ एवरेज लेना, इसका भी इनर साइड का भी एवरेज प्लस हाफ। इसमें क्या था, देखो सबसे पहले 0.55 WUDL, ये प्लस में आपका देखो 0.55 था और नेक्स्ट था आपका 0.6, तो 0.6 इंटू में WUL L और ये ऐसे बस, ठीक है। और आपका ऐसे कदम, ये तो ये थोड़ा सा था कि इसमें हाफ एवरेज लेते हैं, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स के एक साइड से एक साइड से, फिर उसका हमने एवरेज ले लिया, ठीक है। दोनों साइड से हम प्लस नहीं करेंगे, एवरेज लेंगे। देखो अब आपके ऐसे हो गए, तो आपको सिंपल यहाँ पे देखो वैल्यू लिखनी है। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ पे आपको 24 लिखना है, यहाँ पे आपको 7, यहाँ पे 24, यहाँ पे आपको 7, तो आपको पता है वैल्यू। तो अब मैं सिंपल आंसर लिख रहा हूँ, नहीं तो इसको बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको सिंपल आंसर देखो क्या निकलेगा, 197.4 किलो न्यूटन, ठीक है, आपका ये तो निकल गया, ठीक है, 197.4 किलो न्यूटन एट स्पोर्ट नेक्स्ट टू एंड स्पोर्ट्स निकल गया। अब जो बाकी तो क्या बच गया था हमारा, एट ऑल अदर इंटीरियर स्पोर्ट्स, तो इंटीरियर स्पोर्ट्स पे हम देख लेते हैं क्या आता है। देखो इंटीरियर स्पोर्ट्स पे अब हम देखते हैं, तो देखो एट इंटीरियर स्पोर्ट्स, एट इंटीरियर स्पोर्ट्स पे हम देख लेते हैं। देखो तीन जगह आपको निकालना होता है, देखो मूवमेंट तो आपको दो जगह निकालनी होती है, लेकिन ये आपको तीन जगह निकालनी होती है। देखो इसमें क्या ऐड होता है, देखो 0.5 प्लस 0.6, ठीक है, 0.5 इंटू डिजाइन लोड प्लस 0.6 इंटू डिजाइन लोड। देखो वैसे ही करते हैं, तो देखो अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे आप, तो देखो 0.5 WU डेड लोड इंटू में स्पैन प्लस 0.6 इंटू में लाइव लोड इंटू में स्पैन, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर देखो, इसकी वैल्यू बर हो गया, बढ़ती आ रहा है, आपको पता ही है। देखो इसकी वैल्यू देखो आपकी क्या आएगी, 184.8 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आप अब देखो इसमें भी मैक्सिमम निकालने होते हैं। देखो जैसे हमने इसमें निकाला ना मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट, मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट, तो वैसे हमने इसमें भी निकाला है, क्योंकि शियर फोर्स भी आपको मैक्सिमम भी आपको डिजाइन करनी पड़ी, मिनिमम भी आप कभी नहीं डिजाइन करते, ना ही बीच में चले, आप कहाँ पे डिजाइन करते हो, हमेशा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आपका देखो यहाँ पे क्या कौन सी आ रही है आपकी, 197.4 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब आप ये सारी चीजें आ गई, तो अब आप नेक्स्ट शीट पे देखो क्या लिख सकते हो, मतलब कि आप अपने पेज पे नेक्स्ट क्या लिख सकते हो। तो देखो आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, आपको यहाँ पे ऐसे पूरा एक समरी टाइप से लिख लेना चाहिए कि आपको देखो मैक्सिमम पॉजिटिव, आपको देखो पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखो क्या निकला था, ठीक है, आपको निकला था 215.6 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आपका मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट क्या निकला था आपका, नेगेटिव, पर लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए 248.2 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और अब आपकी मैक्सिमम शियर फोर्स भी निकल गई, तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपकी देखो क्या आई है, मैक्सिमम शियर फोर्स आपकी देखो आई है 197.4 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आपका देखो ये ऐसे बन गया, अब हम इसको देख के क्या करेंगे, हम इनफोर्समेंट डालेंगे, ठीक है, इसको देख के हम इनफोर्समेंट डालेंगे। अब आपका देखो सिंपल जो हमारे बीम जो होता है उसमें होता है, तो देखो अब आपका बनेगा स्टेप थ्री, क्या बनेगा आपका स्टेप थ्री, डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। तो अब इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना सरिया डालना है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट का मतलब ये होता है।
अब आपको क्या, जो अभी हमने ये निकाला था, तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट और मूवमेंट से आपको निकलता है, तो पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट से आपको रेनफोर्समेंट डालने है, ठीक है। तो देखो रेनफोर्समेंट डालने से पहले हम एमयू लिमिटिंग निकाल लें, ताकि आपको पता चल जाए कि सिंगली करना है, डबली करना है, या फिर अंडर कॉम्प्रेशन है या फिर नहीं है। तो देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो एमयू लिमिटिंग का, तो एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला आपको क्या आएगा, देखो अब आपको पता है कि आपको यहाँ पे कोड में क्या आना है। देखो कोड पे आपको, देखो पेज नंबर पे जाना है आपको, अनेक्सर जी पेज नंबर 96, ठीक है, उस पर आपको पूरा दिया हुआ है। देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वहां पे पहले एक बार हम लिख लेते हैं। देखो एमयू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.36 एक्सयू मैक्स बाय डी अपॉन 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स बाय डी इनटू में आपका आ जाएगा बी डी स्क्वायर एफ सी के। देखो तो देखो थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी बन जाए, 40 to 50 मिनट्स की बन जाए, लेकिन पूरा डिजाइन हम एक ही वीडियो में करेंगे, तो ठीक है। तो अब आपका ये आ गया, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कहाँ पे है। तो देखो हम आ गए पे नंबर 96 पर, देखो नेक्सर जी, ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है ये। अब आप देखो एमयू लिमिटिंग हमने यही लिखा है, 0.36 एक्सयू मैक्स बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स बाई डी बी डी स्क्वायर एफ सी के, हमने यही लिखा, क्योंकि हमारे पास एएसटी नहीं है। एएसटी होता तो हम यहाँ से एमयू निकाल लेते, लेकिन हमें एएसटी अभी पता नहीं, हमें तो सिर्फ चेक करना है कि अभी हमारा डब्ल्यू है फिर सिंगली है या फिर अंडर कॉम्प्रेशन है नहीं, तो हम यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम इसमें वैल्यूज भरते हैं, अब इसमें वैल्यूज जो आपको भरेंगे, देखो एमयू लिमिटिंग तो आपको निकालना ही है, ठीक है। तो देखो ये तो हम क्वेश्चन वाले 0.3 एक्सयू मैक्स बाई डी, देखो क्या आएगा, देखो 4 Fe 415, ठीक है ना, इसके लिए एक्सयू मैक्स बाई डी आपका देखो कितना होता है 0.48। कहां से आया ये मैंने कोड में से करे, कहां से आया आप देख सकते हैं पेज 70 पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा 38.1 क्लॉज नंबर पे, ठीक है। वो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता है, ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, ये आपको ऐसे कोड में देखनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ऐसे कर देगा, देखो एक्सयू मैक्स बाई डी आपके देखो वैल्यू आ जाएगी 0.48, यहाँ पे भी 0.48, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे बी की वैल्यू देखो क्या आएगी आपकी, 250 थी आपकी, डी की वैल्यू थी आपकी 450 इफेक्टिव डेथ, और एफ सी की आपका था 20। देखो अगर आप इसको सॉल्व करें ना, तो आपकी देखो वैल्यू कितनी आती है, देखो एमयू लिमिटिंग की आपकी वैल्यू आएगी, एमयू लिमिटिंग की देखो वैल्यू आएगी आपकी 139.68 × 10⁶ न्यूटन एमएम। मैंने किलो न्यूटन में नहीं करा, अगर मैं किलो न्यूटन एमएम में कर देता तो ये × 10⁶ नहीं आता, तो मैंने न्यूटन एमएम में कर दिया, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो अब आप देखोगे अगर हम यहाँ पे आपको वापस आए अपने इस वाली शीट पर, तो देखो जो हमारी मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट थी, ठीक है, वो हमारी 215 थी, ठीक है। अभी हम देखो ये एट हमारी स्पोर्ट्स थी, जो हमारे कॉन्टिन्यूस बीम की स्पोर्ट्स पर थी ये है, और ये हमारी एट एंड स्पैन पे थी, जो भी हमारी स्पैन है, चलो हम मिड स्पैन वगैरह ले लेते हैं एट स्पैन, ठीक है ना, तो ये आपकी मिड स्पैन आ जाती है यहाँ पे, तो मिड स्पैन पर था। तो देखो पॉजिटिव हम एक बार एट स्पोर्ट्स पे लिखते हैं, तो देखो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारा एमयू है वो हमारा बिगर है एमयू लिमिटिंग से, है ना, ये 139.68 है, पर यहाँ पे हमारा 215 है, ठीक है ना, 215.6 है, तो मतलब ये इससे बड़ा हो गया, तो मतलब कि ये डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू रेनफोर्स है, तो आपको डब्ल्यू की तरह करना पड़ेगा इसको, तो डब्ल्यू रेनफोर्स है। और देखो अब आप कोड में आओगे तो आपको पता चलेगा ये अंडर कॉम्प्रेशन है ना फिर नहीं, तो देखो इसी पेज नंबर आप हाउस 96 पर नेक्स्ट जी में अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जी 1.2 पे, देखो सेक्शन विद कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, तो आपको दिख रहा होगा वेयर द अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन एक्सीड्स द लिमिटिंग वैल्यू एमयू लिमिटिंग, ठीक है ना, वही हमारी जो ये वैल्यू थी एमयू कितनी थी हमारी यहाँ पे 215.6, ठीक है, ये 139 से ज्यादा है, 139.68 से ज्यादा, तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना, तो मतलब कि अब हमें ये वाली क्वेश्चन सारी आगे यूज करनी पड़ेंगी ताकि हमारा कंप्रेशन एरिया निकल जाए। मतलब देखो पहले एएससी निकलेगा, एएससी से हम अपना बार्स डालेंगे, कंप्रेशन एनफोर्समेंट डालेंगे, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले एट स्पोर्ट्स निकाल रहे, ठीक है, एट स्पोर्ट्स पे करते हैं, देखो एट स्पोर्ट्स पे देखते हैं अब क्या होता है। देखो एट स्पोर्ट्स पे आपको पता है, आपको देखो अब फॉर्मूला कौन सा लिखना, अब यहाँ पे देखो ये वाला नेगेटिव जी में ही अब रहेंगे, क्योंकि हमने एएसटी निकालना है, ठीक है, और हमने एएसटी निकालना है, ये एएसटी 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका एएसटी 2 निकलेगा। देखो अभी इन्होंने क्या लिखा था, टोटल एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट, तो अभी हम टेंशन इन्फोर्समेंट के लिए निकाल रहे, ठीक है ना, टेंशन इन्फोर्समेंट इन्होंने क्या बोला, एएसटी इक्वल टू एएसटी 1 प्लस एएसटी 2, ठीक है, तो अब आपके लिए ये बोला है, तो अब देखो सबसे पहले एएसटी 1 निकलेगा इस वाले फॉर्मुला से, तो हम ये वाला फॉर्मुला यहाँ पे लगाते हैं, तो देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे एमयू, ठीक है, एमयू इक्वल टू 0.87, ये फॉर्मुला आपका देखो एफ वाई ए एस टी, अब 1 बस यहाँ पे 1 जोड़ देना, ठीक है, डी 1 माइनस ए एस टी 1 एफ वाई बाय हमारा यहाँ पे क्या आएगा, देखो बी डी
एफ सी के, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मैंने यहीं से उठाया, नेक्स्ट जी से 96 पे। तो देखो अब आप इसकी वैल्यूज बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा एस टी वन क्या है। देखो एमयू की आप वैल्यू ना ये वाली भरोगे आप, ठीक है ना, 139, क्योंकि हमने इसको देख के करना है ना, ये तो हमारा मिनिमम हो जाएगा, अब लिमिटिंग है, तो इंटू 10^6, तो हम ये ऐसे कर देंगे, ठीक है, कंप्रेशन के लिए हम ये वाला लेंगे। तो देखो अब आपने ये ले लिया 0.87, एफ वाई हमारा क्या है 415, ठीक है, एस टी वन हमें निकालना है, डी आपका देखो यहाँ पे क्या था 451, ए एस टी वन आपका अभी निकालना है, एफ वाई आपका 415 है, एफ सी की आपका 20 है, बी आपका देखो क्या है 250, डी आपका 450। देखो अब यहाँ से पता चलता है कि आपका ए एस टी स्क्वायर निकलेगा, दो वैल्यू निकलेंगे, उसमें से आपको मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम वाली अगर आप वैल्यू लोगे तो हमारी क्या ए एस टी वन आपका क्या आएगा 1077 mm स्क्वायर। तो ये हमारे एक बार ए एस टी वन निकल गया, ठीक है, अब हमने ए एस टी वन निकाल लिया। देखो अब हमें ये भी पता है कि अंडर कंप्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक, जैसे डब्ल्यू लिखा था मैंने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन के अंदर, ठीक है, अंडर कंप्रेशन एनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऐसे भी लिख सकते हो, आर बाय एफ ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, कंप्रेशन रेनफोर्स के अंदर है, तो हम वो भी निकालते हैं। देखो तो अंडर कंप्रेशन का देखो आपको पता है आपका क्या है, यहाँ पे mu माइनस mu लिमिटिंग इज इक्वल टू एफ एस सी ए एस सी ब्रैकेट में d माइनस d डैश, ठीक है, d आपका देखो क्या है इफेक्टेड है, तो ये आपका क्लियर कवर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी नॉमिनल कवर, तो डी डैश, तो आपका ये ऐसे पूरा निकाल के आपको यहाँ से क्या निकालना है एफ एस सी निकालना है। तो एफ एस सी निकल के देखो मैं अभी स्टेप बता रहा हूँ, लिखेंगे तो हम सही, देखो एफ एस सी से आपको देखो डिजाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन एनफोर्समेंट कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन ऑफ, तो यहाँ पे स्ट्रेन होता है, ये हमारा स्ट्रेन निकलेगा, जो कि हमारा स्ट्रेन निकल जाएगा, स्ट्रेन से हम क्या निकालेंगे एफ एस सी निकालेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा, आपको फिगर नंबर 23 पर जाना होता है, पेज नंबर 70 पे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो पहले हम ये चीज निकल लिखते हैं, ठीक है, देखो अब आप क्या लिखोगे, देखो एमयू माइनस एमयू लिमिटिंग, ठीक है, ये आपको कंप्रेशन एनफोर्समेंट के लिए हो रहा है, कंप्रेशन एनफोर्समेंट के लिए हो रहा है, ठीक है, सीआर लिख दो एक बार आपको समझाने के लिए, इज इक्वल टू में देखो क्या आपका फॉर्मूला एफ एस सी ए एस सी, ठीक है, एफ एस सी ए एस सी डी माइनस डी डैश, ठीक है, तो अब आपको ऐसे करना है, तो अब देखो अब करते हैं आगे, देखो तो अब आपको पता है आप इसकी वैल्यूज भरोगे तो देखो एमयू भी आपको पता है देखो क्या आएगी, एमयू आपको पता है यहाँ पे हमारी क्या है 215.6, एमयू लिमिटिंग अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी अभी हमने 139.68, एफ एस सी हमें पता नहीं, ए एस सी तो अभी हमने निकालना है, ठीक है, ए एस सी भी इससे निकले तो हमारा एफ एस सी निकल जाएगा, तो ए एस सी हम ऐसे करते हैं, तो डी हमारा कितना 450 था और डी डैश हमारा कितना था 50 था, ठीक है, ये आपको पता हमने शुरू में करा था क्वेश्चन के, देखो ये हमारा 50 था, तो देखो अब हम ये करते हैं, तो आप वापस कोड में आ जाओगे तो देखो अब इसमें हमारे एफ एस सी की वैल्यू कैसे निकले, डिजाइन स्ट्रेस एंड कंप्रेशन एनफोर्समेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन ऑफ, अब हम ये लिखते हैं, देखो स्ट्रेन हमारा देखो कैसे लिखा जाता है, देखो ई एस ई ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये हमारा मॉडल ऐसे हो गया, ई एस सी ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है, अब इसका आपकी वैल्यू क्या लिखे 0.0035 क्या आएगा यहाँ पे, देखो एक्स यू मैक्स माइनस डी डैश बाय एक्स यू मैक्स, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला कहीं से नहीं उठाया, यहीं से कोड में से उठाया, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, अब एक्स यू मैक्स बाई डी, देखो अब आपको पता ही है क्या था कि एक्स यू मैक्स बाई डी हमारी क्या थी 0.48, ठीक है, तो एक्स यू मैक्स बाई डी सिंपल क्या होगा, एक्स यू मैक्स इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी हमारा कितना 450, तो यहाँ से आपकी देखो एक्स यू मैक्स कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 216 mm आ जाएगी, ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डी डैश आपको पता है 50 है, ठीक है, एक्स यू मैक्स 216 आ गई, ये भी 216 आ गई, ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो आपकी पूरी वैल्यू पता क्या आती है, तो स्ट्रेन की आप भी देखो वैल्यू आए थे 2.68 ले लो, 2.68 इंटू 10^-3, ठीक है, आपकी ऐसी एक बार स्ट्रेन की वैल्यू आती है। अब देखो अब आपको कहाँ पे जाना है इसको एफ एस सी निकालने के लिए, अब आपको जाना है देखो पेज नंबर 70 पर फिगर 23 पर, देखो मैं भी निकालता हूँ आप भी निकाल लो, तो देखो आगे हम पेज नंबर 70 पर फिगर नंबर 23, ठीक है ना, फिगर नंबर 23 पर हम आ गए, तो अब इसमें देखना आपको, देखो अब आप देखोगे हमने स्ट्रेन निकाल लिया, ठीक है, हमने स्ट्रेन देखो कितना निकाला है 2.68 इंटू 10^-3 है, तो मतलब 0.002 आ गया, ठीक है, 0.002, तो देखो आप कुछ यहीं पे आ जाओगे, तो अगर आप यहाँ से लाइन पे देखोगे ना तो आपका देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कुछ आपकी 0. यहाँ तक आती है, देखो यहाँ तक आएगी आपकी ये वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ तक आपकी वैल्यू आएगी तो 0.83 एफ वाई हो जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है, 0.83 एफ वाई, तो हम यहाँ पे देखो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा एफ एस सी है, तो देखो जो हमारा एफ एस सी है वो हमारा देखो क्या निकला 0.83 एफ वाई, तो एफ वाई आपको पता ही है 415 है, ठीक है, अब हम ये वाली वैल्यू सीधा इधर भर देंगे, ठीक है, इसमें भरेंगे तो हमारा ए एस सी निकल जाएगा, तो अगर आप इसमें से देखो सारी वैल्यूज ये वाली भी इधर ले जाते हो
तो देखो आपका एएससी पता कितना आ जाएगा, तो आपका एएससी आ जाएगा 788 mm². ठीक है, अब आपका देखो एएससी आ गया, मतलब ये कंप्रेशन एनफोर्समेंट के लिए, ठीक है कंप्रेशन एनफोर्समेंट, ठीक है कंप्रेशन एनफोर्समेंट के लिए अब आ गया। लेकिन अब आपको जो टेंशन के लिए निकालना है, देखो आपको कोड में देखा था, मैं दोबारा लेके चलता हूँ आपको कोड पर। तो देखो कोड क्या बोलता था कि आपको जो हमारी टोटल एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, देखो कंप्रेशन तो हमने निकाल लिया एएससी, ठीक है कंप्रेशन तो हमने निकाल लिया एएससी, लेकिन वो बोलता है जो टोटल है एएसटी निकलेगा, तो एएसटी 1 प्लस एएसटी 2, तो एएसटी 2 कैसे निकलेगा, आपको थोड़ी सी कंप्रेशन एनफोर्समेंट भी आपको लेनी पड़ेगी बीच में, ठीक है ना, उसका एरिया में थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो कैसे एएसटी 2 कैसे, एएससी एफएससी डिवाइडेड बाय 0.87 fy, ठीक है। तो अब ये वाली आप वैल्यू इसमें मतलब डाल दो सारी वैल्यू, तो एएसटी 2 निकल जाएगा, एएसटी 2 से आप यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे तो टोटल एएसटी निकल जाएगा, उससे आप हमारे एनफोर्समेंट दे सकते हो। तो कैसे हम अभी करके दिखाते हैं, देखो देखो अब हम यहाँ पे इसको करेंगे एएसटी 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एएसटी 2 आपका देखो फॉर्मूला क्या था, एएससी इंटू एफएससी डिवाइडेड बाय 0.87 fy, ठीक है। अब देखो एएससी तो अभी हमने निकाला था, देखो एएससी हमने कंप्रेशन एनफोर्समेंट के लिए अभी निकाला, देखो 788, देखो एफएससी अभी निकाला था 0.83, ये fy में रखो, मैंने तभी यहाँ पे भी fy में रखा था, इसको मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पे आपको अलग से करेंगे वो तो सॉल्व आप करोगे करोगे, लेकिन जब आप यहाँ पे ऐसी रखना, ठीक है 0.83 fy / 0.87 fy, ठीक है fy fy तो कट गया, मतलब कि 415 तो हमारे दोनों साइड ऐसे 415 आना था, तो ऐसे कट गया, ठीक है 415 तो आपका ऐसे कट गया। तो देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो अब आपका एएसटी 2 कितना आएगा, देखो एएसटी 2 देखो आपका आता है 752 mm², ठीक है 752 mm² आ गया। अब आपका टोटल एएसटी कितना आ गया, देखो टोटल एएसटी आपका क्या होगा, एएसटी 1 प्लस एएसटी 2, अब आपका टोटल ये होएगा। तो देखो एएसटी आपका देखो क्या आएगा, एएसटी 1 और एएसटी 2 डालोगे, देखो एएसटी 1 आपका 752 mm अभी आया, और हमारा एएसटी 1 कितना आया था 1077, ठीक है आपका ये आया था। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ऐड कर दोगे दोनों, तो क्या आएगा, तो 1829 mm², तो आपका ये टोटल एएसटी देखो इतना आ गया 1829 mm², ठीक है आपका ये इतना आ गया। एएससी में एक बार साइड पे लिख लेता हूँ, एएससी हमारा देखो कितना आया था, एएससी हमारा आया था 788 mm², ठीक है। अब आपको देखो एएसटी भी पता चल गया, ये किसके लिए हो गया, टेंशन एनफोर्समेंट के लिए, ये आपको टेंशन के लिए हो गया, ये आपको कंप्रेशन के लिए हो गया, ठीक है कंप्रेशन और टेंशन के लिए आपको दोनों आ गया। तो बस इसके साथ आपको जो हिट एंड ट्रायल मेथड कह लो, जो भी कह लो, नंबर ऑफ बार्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने है। कैसे, देखो यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा प्रोवाइड, देखो प्रोवाइड हम ऐसे लिख देंगे, देखो 6 bars of 20 mm dia, ठीक है 20 mm dia bars इन टेंशन जोन, ठीक है इन टेंशन जोन मैं ऐसे लिख दूंगा। देखो अब मैं कैसे लिख रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो और हम कंप्रेशन के लिए लेते हैं, पहले एरिया अब कंप्रेशन के लिए लेते हैं, तो कंप्रेशन के लिए क्या होगा, तीन बार्स हमने लिए डाया बार्स इन कंप्रेशन जोन, ठीक है ये आपको ऐसे बड़ा बड़ा लिखना है अब जब आप सॉल्व करोगे तो कंप्रेशन जोन। अब देखो हमने बार्स कैसे लिए, देखो 20 mm तो आपका जायज है कि आपको देखो कंटिन्यूस बीम में 20 mm तो लेना ही लेना है, वैसे आप 16 mm भी ले सकते हो, पर 16 लेते हो तो आपके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बार्स आते हैं, तो हमने 20 mm में कर लिया। तो देखो अब 20 mm में देखो आपको पता है जो आपका देखो डाया कैसे निकल, देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ मैंने कैसे लिया। तो अब आपको पता है देखो पाई बाय 4 इंटू डाया का स्क्वायर, ठीक है इंटू नंबर ऑफ, ये ऐसे होता है। अब एक बार का एरिया निकालना, ठीक है n1 ले लेते हैं, एक बार का एरिया निकालना है, तो कैसे पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है अब ऐसे करोगे तो आप 314 आ जाएगा, ठीक है अब 314 इंटू 6 बार्स करते हैं, देखो 314 इंटू 6 बार्स करें तो 1884 आ गया, तो 1884 इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए थोड़ा सा, देखो 1884 आ गया तो मतलब ये हमने सही करा, ठीक है। तो अगर आप 16 mm की भी लेते हो तो गलत तो कोई भी नहीं करता, लेकिन वैसे एक स्टैंडर्ड रहता है कि चलो 20 mm बढ़िया अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कंप्रेशन में, देखो कंप्रेशन में देखो 314 इंटू में आपने क्या करा 3, तो देखो 942, तो 942 इससे ज्यादा आता है, ठीक है। अब आपको अगर सर 942 मतलब दो लेगो तो आपके शायद सही आ रहे, तो देखो 314 इंटू 2 बार्स करा तो कितना आता है 628, तो 628 तो इससे कम आ गया, ठीक है तो मतलब 628 आप ले नहीं सकते। देखो आप 16 mm के ले सकते, शायद 16 mm में भी 4 आ जाते, वो मैं ले सकता था, ठीक है लेकिन मुझे ये था कि आप सेम लो, वैसे मोस्टली ऐसे सेम ही होता है कि आप जैसे 20 लिया है तो 20 लो। देखो ऐसे करके हमने ये ऐसे तो हमने लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमारे कॉन्टिन्यूस बीम का हमारे पास वो पड़ा था एक, तो मतलब जो हमारी ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट है ना, ये हमने ऐसे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे हमने प्रोवाइड करी है कहाँ पे, एट स्पोर्ट्स पे, तो ऐसे ये स्पोर्ट्स पर है ये वाली चीज, ठीक है ऐसे स्पोर्ट्स पर है, ठीक है
ऐसे ऐसे हमने लॉन्गिट्यूडनल दे दी, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे जो होती है, ठीक है, ट्रांसवर्स ऐसे ऐसे होगी, तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल हमने ऐसे दे दिया ये। तो देखो हमारा एट स्पोर्ट्स तो हम निकल गया, ठीक है, अब हम निकालेंगे एट मिड स्पैन पे। मिड स्पैन के लिए देखो आपको क्या दिया हुआ था, एट मिड स्पैन के लिए मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट क्या दिया था, 248.2 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। अब आपको ये दिया होता तो इसको देखते हुए करेंगे, देखो इसको देखते हुए सारे स्टेप सेम लेंगे, कैसे लेंगे देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे ये भी हमें पता चल गया कि जो हमारा एमयू है ये इस बार भी हमारा बड़ा ही है एमयू लिमिटिंग से, ठीक है। हमारा देखो एमयू लिमिटिंग क्या था, 139.8 था, जो हमारा पहला था वो सेम रहेगा, ठीक है, एमयू लिमिटिंग हमारा सेम रहेगा, ठीक है। और जो हमारा एमयू आ गया वो हमारा यहाँ पे देखो क्या आ गया, 215.6 आ गया, ठीक है, कैसे आ गया, देखो 215 बोल के मैं सॉरी 248 है यहाँ पे, ठीक है, 248 हमारा यहाँ पे आ गया, 248.6 हमारा यहाँ पे आ गया एट मिड स्पैन के लिए, ठीक है। तो हमारा एमयू ऐसे हो गया, तो देखो अब इससे तो पता चल गया कि जो हमारा एएसटी वन है वो तो सेम रहेगा, ठीक है, हमने 39.8 से निकाला था वो भी, तो देखो अब इससे हमें ये चीज तो पता चल गई जो हमारा देयरफॉर एएसटी वन जो हमारा है वो इज सेम एज एट स्पोर्ट पे था, ठीक है, एज एट स्पोर्ट्स पे जो हमारा यहाँ पे लगा था, ठीक है ना, जो कि हमारा क्या था, देखो एएसटी वन हमारा क्या निकला था, 1077 mm², ठीक है, अब हमारा ये निकला, देखो अब आपको पता है, देखो ये हमारा अंडर कंप्रेशन भी है, ठीक है ना, अंडर कंप्रेशन भी है, ठीक है, अंडर कंप्रेशन एनफोर्समेंट भी आएगी अब, ठीक है, इसमें देखो सेम सेम टू सेम जो हमने स्टेप इसमें करे ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने ये देखो हमने यहाँ से जो हमने स्टेप सेम करे थे ना ऐसे करके, देखो यहाँ से हमने ये निकाला एएसटी वन, देखो यहाँ तक तो हमने ये कर लिया, ठीक है, आपको ये चीज दोबारा नहीं करने की जरूरत, फिर आप ये लिख दोगे एएसटी वन, ठीक है। अब आपने देखो एएसटी वन तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, अब देखो अब आपको ये वाला जो हमारा स्टेप होगा ना, ये वाला ये आपको सेम करना है, ठीक है, जो मैंने आपको देखो बताया था ना सारा ऐसे सेम होगा, ये ऐसे देखो ऐसे पूरा सेम होगा, ठीक है, जैसे हमने कंप्रेशन एनफोर्समेंट के लिए निकाला था पूरा अच्छे से हमने निकाला था ना, एमयू एमयू लिमिटिंग ये सारा ऐसे माइनस करके एफएससी निकाल के ये सारा हमने ऐसे करा था, देखो सेम ऐसे होगा। तो मैं देखो दोबारा से तो ये चीजें कराऊंगा नहीं, क्यों आपको पता है मेथड तो आपको पता चल गया, ठीक है, मैं आपको सीधा वैल्यू बता दूंगा, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ पे अगेन सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन सेम प्रोसीजर, ठीक है, सेम प्रोसीजर प्रोसीजर हमने ऐसे सेम हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोसीजर सेम प्रोसीजर विच इज एवर डन इन एट स्पोर्ट, ठीक है ना, एट स्पोर्ट पे जो हमने करा था हमारा सेम प्रोसीजर होगा। बस मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज बताता हूँ, देखो वैल्यूज यहाँ पे देखो क्या निकलेंगी, मैं आपको सीधा वैल्यू बताऊंगा, उससे आपको रिफोर्स हो जाएगा, ठीक है, आपको तो लेकिन एग्जाम में पूरा करना है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हमने जैसे सेम प्रोसीजर करा था एट स्पोर्ट पे तो उससे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना अच्छे से, जैसे हमने इसमें करा था, जैसे हमने ये सारी चीजें ऐसे करी थी ना सॉल्व, अगर आप इसको करो तो यहाँ पे एएससी कितना था, 788 आया था, ठीक है, एएससी हमारा 788 है, लेकिन यहाँ पे हमारा एएससी कितना आएगा, देखो 550 mm², ठीक है, एएससी हमारा ये आ जाएगा, तो एएससी से हमने एएसटी 2 निकाल दिया, ठीक है, तो एएसटी 2 हमारा कितना आया था, 525 mm² आया था यहाँ पे, ठीक है, एएसटी 2 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 525 mm². तो अगर आप टोटल एएसटी निकालोगे तो टोटल एएसटी हमारा देखो 525 था प्लस 1077 था, तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो 1062 mm² हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर वाली जो हमारी टेंशन एनफोर्समेंट है वो तो देखो सेम आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना, देखो हम यहाँ पे सिंपल वही डाल देंगे 620 mm², ठीक है, तो वही हम डाल देंगे, कैसे देखो प्रोवाइड, देखो अब आपको सिंपल जैसे हमने इसमें करा था ना, जो हमने अभी निकाला था, देखो सिंपल सेम ऐसे इसमें करना है, ठीक है, जैसे हमने इसमें करा था ऐसे सेम हमने इसमें कर देना है, कैसे देखो 620 देखो हम वही डाल देंगे, ठीक है, 1829 था, देखो अगर हम 5 भी डालते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको देखो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देखो हम 5 × 314 था ना, देखो 1570 आता है, ठीक है, 1570 ये इससे कम हो जाता है, ठीक है ना, 1570 इससे कम हो जाता है ना, तो मतलब ये हम 6 ही डालेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन हम मिनिमम नहीं ले सकते, ठीक है, तो 620 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, देखो 620 mm डाया बार्स प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन, ठीक है, तो टेंशन जोन में तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है, टेंशन जोन में तो हमारा ये सारा सेम हो गया, ठीक है। अब देखो एएससी देखो 550 आ गया, ठीक है, अब देखो वहां पे 320 था, ठीक है ना, यहाँ पे आपके 3 bar 20 mm के थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, इस बार हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो 2 20 mm डाया बार इन कंप्रेशन जोन, ठीक है, अब ये कंप्रेशन जोन आ गया, तो हम ये आ गया ऐसे कंप्रेशन जोन, ठीक है, तो अब एएससी देखो, अब मैं आपको अगर करके भी दिखाऊं तो देखो क्या आएगा, देखो
देखो 2 × 3 = 4 था, ठीक है, तो 2 × 3 = 6 = 28 आ गया, ठीक है ना, तो 6 × 28 इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें हमारा क्या था 788 था, ठीक है, 788 से तो 6 × 28 कम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 दे दिए थे, तो यहाँ पे हमने 2 दे दिए, ठीक है। अब ये तो सारा हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है, मिड स्पैन पर हमारे सारा डला, कैसे डला गया, अगर मैं आपको देखो अभी दिखाऊं आप डायग्राम में, तो देखो ये सारा मिड स्पैन में डला, तो ये सारा इस मिड स्पैन पे डल जाएगा, ठीक है, इधर इधर डल जाएगा ये सारा, ये जो हमने अभी ये वाला निकाला, ठीक है, अभी मैं इसको सारे रिइंफोर्समेंट भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो देखो अब ये तो हमारा सारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं शियर इन्फोर्समेंट, तो हमारा ये आ जाएगा स्टेप 4, तो ये आ जाएगा स्टेप 4 हमारी आ जाएगी शियर इन्फोर्समेंट, ठीक है। अब हम शियर इन्फोर्समेंट डालेंगे, किसको हम अब लाएंगे हम अकाउंट में, हमारी शियर फोर्स को अब हम लाएंगे अकाउंट में, ठीक है, तो अब हमारी मैक्सिमम शियर फोर्स क्या थी 197.4 किलो न्यूटन, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, देखो हमारी वीयू कितनी थी यहाँ पे 197.4 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन अगर आप यहाँ पे न्यूटन में करोगे तो 197400, ठीक है, तो आपको ऐसे ही न्यूटन में आ जाएगा, तो ये देखो अब वीयू तो हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, अब हम इसको करके डिजाइन, देखो अब डिजाइन करने के लिए देखो अब आपको पता है टाउ वी चाहिए, टाउ सी चाहिए, आपको पता है ना डिजाइन शियर स्ट्रेस चाहिए, नॉमिनल शियर स्ट्रेस चाहिए, देखो उसके लिए देखो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पेज 72 40.1, देखो वहां से हम क्या निकालेंगे, टाउ वी निकालेंगे, ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, तो देखो अब आप भी जाओ मैं भी जाता हूँ, तो देखो ये आ गया हम पेज नंबर 72 पर क्लॉज 40.1, देखो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर, तो हम शियर में कर रहे हैं तो देखो नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाले, देखो टाउ वी हमारा क्या है यहाँ पे वीयू बाई बी डी, ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू सारी हम इसमें भरेंगे, तो देखो वीयू अपॉन बी डी, ये आप करते आ रहे हो तो आपके लिए सारा इजी है, देखो जो था समझने वाला वो पहले 30 मिनट्स में था समझने वाला, उसके बाद आप नॉर्मल हर एक बीम हर एक कॉलम ऐसी सेम करते आ रहे हो, देखो वीयू में आपकी देखो क्या वैल्यू डलेगी 197400 डिवाइडेड बाई बी देखो आपका क्या था 250 इंटू आपका डी था देखो 450, तो अगर आप इसको सॉल्व करते देखो टाउ वी आपका कितना आता है 1.75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, अब देखो टाउ भी तो आ गया, अब हमें टाउ सी निकालना है डिजाइन के लिए, देखो अब उसी पर चलेगा कि आपका देखो कोलैप्स करेगा या नहीं करेगा, उसी पर चलेगा कि शियर इन्फोर्समेंट देनी है नहीं देनी, देखो अब आपको टाउ सी निकालने के लिए देखो अब आपको पेज नंबर देखो आपको जाना है देखो पेज नंबर 73 पर, तो देखो पेज नंबर 73 पर देखो ये आपके यहाँ पे दिखेगा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी, तो देखो टाउ सी आपको देखो क्या निकालना है 100 AS/BD, ठीक है, अब आपको ये वाली वैल्यू निकाल के इससे देखो इंटरप्रिटेशन करके M20 के अंदर आपको टाउ सी निकालना है, ठीक है, अब उससे हम आगे क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ, पहले हम ये वाला स्टेप करते हैं, तो देखो 100 AS/BD, देखो अब इसमें क्या आएगा, देखो 100 AS/BD, देखो 100 × में देखो क्या आएगा, देखो 100 × ये आपका क्या निकली परसेंटेज निकलती है, ठीक है, आप यहाँ पे PT लिख सकते हो परसेंटेज निकलती है, 100 × AS क्या देखो 6 × π/4 × 20² जो आपने टेंशन इन्फोर्समेंट दिया है वो लेना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको टेंशन इन्फोर्समेंट दिया वो लेना है, तो बी आपका देखो 250 था × 450, ठीक है, आपका डी 450, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखो 1.67% आती है, ठीक है 1.67, तो देखो 1.67 देखो 1.50 और 1.75 के बीच में लाया करता है, ठीक है, M20 के लिए यहाँ पे कहीं लाया करता है, तो इंटरप्रिटेशन से आप देखो क्या निकाल सकते हो, तो आपको सीधा निकल जाएगा देखो टाउ सी आपको देखो क्या निकलेगा 0.74 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन से निकलता है, आपको अगर नहीं आता तो मैंने पहले वाली लेक्चर्स में भी डाला हुआ है कि कैसे निकलता है, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, अब देखो आपको ये तो निकल गया, तो इससे हमें देखो क्या पता चलता है कि देखो जो टाउ सी है हमारा वो टाउ वी से कम है ना, तो देखो मतलब कि हमारा टाउ वी बड़ा हो गया टाउ सी से, तो इसका मतलब देखो ये नहीं हुआ कि ये कोलैप्स कर देगी, तो मतलब इसका मतलब देखो पता क्या हुआ कि हमें शियर इन्फोर्समेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, शियर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, तो मतलब कि हमें शियर इन्फोर्समेंट क्या होती है हमारे स्टीरअप देने पड़ेंगे, ठीक है, स्पेसिंग पे कुछ डेफिनेट स्पेसिंग पे हमें स्टीरअप देने पड़ेंगे, तो देखो उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, हम देखो नेक्स्ट शीट पे बताता हूँ आपको, तो आपको वापस कोड में आ जाना है, तो कोड में देखो क्या आता है 73 पे नंबर भी देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर वर्टिकल स्टीरअप, ठीक है, तो वर्टिकल स्टीरअप्स निकालने हैं हमने, ये वाले स्टीरअप्स निकालने हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो व्हेन टाउ वी एक्सीड्स टाउ सी गिवन इन टेबल 19 शियर इन्फोर्समेंट शैल बी पुट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, तो हम वर्टिकल स्टीरअप्स में दे रहे हैं, ठीक है, तो अब वर्टिकल स्टीरअप्स में अगर हम दे रहे हैं तो देखो पहले यहाँ पे VUS है, तो VUS देखो कैसे निकलेगा VU − tau CBD, ठीक है, VUS यहाँ से निकलेगा, VUS से हम यहाँ पे निकाल लेंगे ASV, ठीक है, ASV जो हमारा हो जाएगा देखो क्या टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टीरअप्स लेग्स, ठीक है ना, तो हम यहाँ से ASV निकालेंगे, उससे हमारा सारे स्पेसिंग वगैरह निकल जाएगी, देखो हम ये डालते हैं, देखो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो VUS इज इक्वल टू VU − tau CBD, देखो अब ये कहाँ से आया, देखो 40.4 E क्लॉज से,
जो कि हमारा पे नंबर 73 पर है, ठीक है। वर्टिकल सीरम चल रहे, तो देखो वीयू की वैल्यू अब आपको पता है क्या थी हमारी, 197400। देखो अभी हमने टाउ सी की वैल्यू निकाली थी, टाउ सी की थी 0.74, तो 0.74 इंटू में बी आपका देखो 250 इंटू 450 आपका डी, ठीक है 450 आपका डी था। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, देखो वी यू एस आपको पता है क्या था, 114150 न्यूटन, तो मैंने करके रखा हुआ है। देखो आप कर लेना, आप एक बार, शायद मेरा थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो देखो अब आपका इससे आ गया, तो देखो अब आपको तो ये तो आ गया, ठीक है। अब हमें देखो स्पेसिंग निकालनी है, ठीक है स्पेसिंग निकालनी है। अब आपको देखो कैसे निकलेगी, हम वापस कोर्ट में आ जाएंगे, देखो पे नंबर 73 वापस आ गया। तो अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मुला लिखेंगे, देखो एसवी हम अभी अज्यूम करेंगे 2 लाख स्टिरअप करेंगे, ठीक है। तो एसवी निकालना हमने, यहाँ पे एसवी देखो लिखा हुआ है स्पेसिंग ऑफ द स्टिरअप्स और बेंट ऑफ बार्स अलोंग द लेंथ ऑफ द नंबर, तो हमें स्पेसिंग ही निकालनी है। तो एएसवी अभी हम अज्यूम करेंगे, कैसे करेंगे देखो। तो हम सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखोगे वी यू एस इजिकल टू, देखो आपको फॉर्मूला आता है 0.87 एफ बाई एएसवी, ठीक है एएसवी इंटू डी बाई एसवी, ठीक है। अब आपका ये फॉर्मूला आता है, देखो एएसवी हम अभी अज्यूम करेंगे, कैसे अज्यूम करेंगे, तो हम ले रहे हैं अज्यूमिंग 2 लाख स्टिरअप्स, 2 लाख के स्टिरअप्स ले रहे हैं हम, 2 लाख स्टिरअप्स हम डालेंगे, 2 लाख स्टिरअप्स कितने एमएम के ऑफ 8 mm डाया, ठीक है 8 mm डाया के हम ये 2 लाख स्टिरअप्स डालेंगे। तो उससे हमें देखो क्या निकलेगा, उसे देखो VUS, देखो अब आपकी वैल्यू है 114150 इंटू 0.87 इंटू एफ बाय 415 इंटू आपका, देखो अब ASV क्या निकलेगा, देखो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू का 8 का स्क्वायर, सिंपल वो फॉर्मुला आपको पता है ना, इंटू डी 450, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा SV, ठीक है। अब यहाँ से आपका देखो SV क्या निकलेगा, SV आपका निकल जाएगा यहाँ पे 138 mm कुछ आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे आपका SV आ जाएगा 138 mm, ठीक है। अब ये आ गया, तो अब हम यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है देयरफॉर प्रोवाइड, तो ये शील एनफोर्समेंट दे गया, ठीक है ना, तो प्रोवाइड 2 lakh 8 mm स्टिरअप्स एट 138 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब आपको ये चीज लिख लेनी है बस। अब देखो आपका रेनफोर्समेंट तो सारी खत्म होगी, लेकिन रेनफोर्समेंट खत्म होने के बाद देखो एक आपको चेक भी लगाने होते, ठीक है हम चेक फॉर डिफ्लेक्शन लगाएंगे, ठीक है चेक फॉर डिफ्लेक्शन लाइन लगाएंगे, देखो वो लगाते हैं अब हम, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक फॉर डिफ्लेक्शन, मतलब जो हमने सारा रेनफोर्समेंट दिया उसमें डिफ्लेक्शन तो नहीं आएगी ना, तो हम वो चेक करते हैं। देखो चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए देखो आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 38 आपको जाना पड़ेगा, पेज नंबर 38 आपको फिगर नंबर 4 पर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब आप भी खोल लो, मैं भी खोलता हूँ। तो देखो आगे हम पेज नंबर 38 फिगर 4 पर आ गए, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या आएगा, देखो अब इससे ना मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालते, ठीक है मॉडिफिकेशन फैक्टर से हमारा पता चलेगा कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो सही है नहीं है। तो देखो वो एक फैक्टर होता है, सेफ्टी फैक्टर तरह ही होता है। देखो हम इसमें ना एफएस निकालते हैं, ठीक है हम एफएस यहाँ पे पहले हम एफएस की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसमें फॉर्मुला में डाल के, एफएस की वैल्यू हम जब इसमें पुट करेंगे, देखो एफएस की लिखी हुई ना, तो ये 240 वाली लाइन पर ऐसे जाना है, तो 2190 वाली पर जाना है, तो ऐसे ही परसेंटेज टेंशन एनफोर्समेंट क्या थी जो अभी हमने निकाली थी, देखो ये चीज, ठीक है 1.67 जो अभी हमने निकाली थी परसेंटेज टेंशन एनफोर्समेंट, ठीक है। देखो मैं एक बार यहाँ पे ये चीज लिख देता हूँ, देखो पीटी हमारी देखो क्या आया था 1.67%, ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया था, तो देखो अब यहाँ पे हम पहले एफएस की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है एफएस का ही हम पहले डालते हैं फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हम एफएस को यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला क्या, 0.58 एफ वाई, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो एरिया रिक्वायर्ड कितना है और हमने कितना प्रोवाइड करा है, ठीक है एरिया प्रोवाइडेड, ठीक है तो हमने ये निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, देखो एफ वाई आपको पता है 415 है, देखो एरिया एएसटी रिक्वायर्ड कितना था, देखो 1829 था, है ना। अब आप देखोगे हमने एएसटी निकाला था 1829, लेकिन हमने जो प्रोवाइड करा वो थोड़ा सा ज्यादा था ना, कितना ज्यादा था देखो 1884 था, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करो तो आपका एफ एस कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा, देखो 230 आ जाएगा, ठीक है। तो 230 आगे देखो 230 तो मतलब 240 से थोड़ा सा ऊपर को आएगी लाइन, थोड़ी सी हल्की सी ऊपर को आएगी, ठीक है। और हमारी परसेंटेज क्या थी, 1.67, तो 1.67 तो 1.67 कुछ इस तरफ आएगी, तो हमारी देखो ये जो यहाँ पे आएगी ना, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारे यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ से मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, तो देखो केटी, तो हमें केटी से लिख देते हैं, तो केटी इक्वल टू 1 मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। ये आपका देखो फिगर नंबर 4 से आया है। देखो अब क्या करना है, देखो तो अब आपको कहाँ जाना है, देखो अब आपको क्या करना है, देखो पेज नंबर 37
पेज नंबर 37 क्लॉज नंबर 23.2.1 पर देखो, आपको देखो क्या मिलता है। तो अभी मैं भी आपको देखो खोल के दिखाता हूँ। देखो हम आ गए पेज नंबर 37 पर, देखो 23.2.1, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिक वैल्यू स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर। तो हमारी 10 मीटर के थे, 7 मीटर का था ना हमारा स्पैन। देखो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे याद हो, हमने कब से लगाया नहीं पेज, देखो आपको लिखा हो 7 मीटर, तो स्पैन हमारा 10 मीटर से कम है। देखो उसके लिए हमारा ये यूज होएगा, तो इन्होंने क्या लिखा, देखो वैल्यूज ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूस बीम, हम कॉन्टिन्यूस बीम करें तो 26 आएगी, ठीक है। तो 26 आ गई, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे एल बाई डी, ठीक है। एल बाई डी जो हमारी यहाँ पे मैक्सिमम है, देखो मैक्सिमम हमारी देखो क्या आएगी, देखो 26 दी हुई है, इंटू में जो हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर है इंटू में 1 ही हो जाएगा, तो 26 ही हो जाएगी। चलो ठीक है, रेशियो हमारी ये एल बाई डी मैक्सिमम 26 ही रही, ठीक है। तो देखो अब ये तो हमारी मैक्सिमम थी, लेकिन हमने प्रोवाइड कितनी कराई थी, हमने वो निकाली, तो एल बाई डी प्रोवाइडेड, ठीक है। हमने प्रोवाइड कितनी कराई थी, देखो एल हमारा देखो क्या था आपका 7000 mm हो गया, ठीक है, 7 मीटर थी तो 7000 mm, डी आपका देखो 450 था, ठीक है, 450 mm था आपका। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो देखो क्या आएगा, 15.5 आएगा, ठीक है, 15.5, जो कि देखो इससे कम है, तो मतलब कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आनी थी उससे तो हमारा कम है, ठीक है, जो हमने करा है ये डी निकाला जो हमने, इससे कम है। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो एल बाय डी मैक्स, एल बाय डी जो हमारा मैक्स है वो बड़ा है हमारा एल बाय डी प्रोवाइडेड से, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, हैंस ओके, ठीक है, हैंस ओके की मतलब ठीक है, ये हमारा चेक सही हो गया। अगर हमारे प्रोवाइडेड से, अगर हमारे प्रोवाइडेड ज्यादा होता ना मैक्स से, तो हमें दोबारा से थोड़ा डिजाइन करना पड़ता है, सारा हमें दोबारा से डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो हमने ये सारा कर लिया, देखो अब सारा हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिइंफोर्समेंट डिटेल्स दिखाऊंगा मैं अब आपको। तो देखो ये आ गई हमारी सारी रिइंफोर्समेंट डिटेल, तो मैंने एक एक करके सारे रिइंफोर्समेंट डिटेल्स डाल दिए और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बस एक चीज आप याद रखो, जब भी हमारी पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट जहां जहां पे होती है ना, वहां पे ऊपर टेंशन जोन होता है, नीचे कंप्रेशन जोन होता है, ठीक है, और उसी का वाइस वर्सा, ठीक है। तो मतलब याद रखना, जहां पे हमारी एक चीज याद रख लो, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट पे जहां पे हमारी पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आती है, या स्पोर्ट्स पर आती है, मिड स्पैन पे जहां पे भी अगर आपकी आती है, इसी क्वेश्चन में नहीं और भी कोई भी क्वेश्चन में, तो मिड स्पैन मतलब कि जहां पे हमारी पॉजिटिव आ गई ना, जहां पे पॉजिटिव आ गई वहां पे ऊपर को हमारी होता है टेंशन जोन, नीचे को हमारा होता है कंप्रेशन जोन, ठीक है, उसको देखते हुए देखो हमने डाल दिया। तो देखो अब आप सबसे पहले मिड स्पैन पर आए थे, देखो मिड स्पैन पर देखो आपकी क्या रिइंफोर्समेंट थी, 620 mm, मतलब 6 बार 20 mm डाया बार से टेंशन जोन, ठीक है। तो इसको ऑपोजिट था, तो यहाँ पे अगर टेंशन जोन था तो यहाँ पे टेंशन आ गया, ठीक है ना, ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट थी, सॉरी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट थी, तो यहाँ पे आ गया। तो देखो अब यहाँ पे हमारे ऐसे ही डाल दिया मैंने यहाँ पे 6 बार 20 mm के, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे कंप्रेशन जोन आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने इसका सेक्शन भी काट के रखा है, तो देखो सेक्शन पे अगर आप यहाँ पे काटोगे, आपको ऐसे करना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा है, आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है। तो देखो सेक्शन 1-1 में देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार हमारे ऐसे ऊपर आ गए, ठीक है, या मिड स्पैन आ गया। तो देखो अब 6 बार हमारे ऐसे नीचे आ गए, ठीक है, ये तो हमारे मिड स्पैन का हो गया, ठीक है, मिड स्पैन का हो गया। तो देखो अब आते हैं हम स्पोर्ट्स पर, देखो स्पोर्ट्स पर हमारा देखो क्या निकला था, 6 बार 20 mm इन टेंशन जोन, देखो टेंशन जोन में हमने यहाँ पे डाल दिया 6 बार 20 mm के, और हमारा 3 बार आए थे इन कंप्रेशन जोन, तो ठीक है 3 बार हमने डाल दिए कंप्रेशन जोन में 20 mm के, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आ गया एट स्पोर्ट्स पर, ठीक है। तो बाकी जो ये ऐसे ऐसे लाइन है, ये हमारे सारे स्टीरअप डली हुई है, दो हमारी 2 लेग स्टीरअप थी, तो वो हमारी कितनी थी, देखो 2 लेग 8 mm स्टीरअप एट 138 mm सेंटर टू सेंटर, तो वही 8 mm डाया की हमारी स्टीरअप थी 138 mm सेंटर टू सेंटर में डाल रखी है, ठीक है। तो देखो हम इसमें भी मैंने ऐसे शो करा हुआ है, देखो ये था हमारा पूरा एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस बीम का विद रिइंफोर्समेंट डिटेल्स। तो आपको ये एंड तक पूरा करना है, मुझे पता है समझाने में शायद 50-60 मिनट्स लग गए होंगे, लेकिन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। तो देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डिजाइन ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम की, तो देखो मैंने और भी बहुत ज्यादा वीडियोस डाल रखी है डिजाइन पर, आप देख सकते हैं कॉलम स्लैब बीम्स फूटिंग, तो हमने उसकी डाल रखी, तो आप उनके भी लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट कर देना, और हमारे चैनल जरूर सिविल इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।